तो गाइस मैं आपको बताऊँ, तीसरा दिन है जो गौ माता है ना, जो बाहर है ना, स्लैब है ना, भेड़वाओं की स्लैब के पास खड़ी हो जाती है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए, मैं चलूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए गाइस, तीसरा दिन है ये, और इस तरह से खड़ी हो जाती है ये। देखिए गाइस, ये देखिए, और देखो, और देखो, उतर गई ऐसे, ये ऐसे खड़ी हो जाती है। रोटी खिला दी, रोटी खिला दी, ला और खिला तो दी। तो गाइज मैं बता दूं कि गौ माता है ना, मतलब मैंने आपको जैसे कि 3 दिन से लगातार आती आ रही है गौ माता। आती तो डेली है गाइज, रोटी खाती है चली जाती है। तो अभी मैंने उसको रोटी भी दे दी, और जो मैं एक्स्ट्रा और भी सामान था वो भी मैं अभी बाहर दो गौ माता मतलब दे के आई थी उनको। और फिर उसके बाद वो उस पे चौथी पे मतलब जो स्लैब है ना उस पर चढ़ गई थी। और फिर जब मैं गई, उसने मुझे देख लिया, मैंने उसको लाड़ किया, तब जाके वो उतरी है, मतलब उतर गई थी, फिर लाड़ किया था। तो गाइस तीसरा दिन है जो इस तरह से गौ माता उस दरवाजे की स्लैब पे चढ़ जाती है। और आज तो मैंने उसे उतरते हुए भी देख लिया, क्योंकि जब मैं गई थी ना तो वैसे ही वो उतर भी गई थी। और फिर घूम के फिर उसको मैंने कहा तू जा, तो नहीं गई, अपना मुंह है ना ऐसे बिल्कुल। जय माता की। दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग, शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो मॉर्निंग हो चुकी है गाइज, और यहाँ पे ब्लॉग की स्टार्टिंग पहले हो गई, और मैं वेलकम आपका बाद में कर रही हूँ। तो गाइज मैं बता दूँ, आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो प्लीज़ वीडियो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कुछ छोटी छोटी बातें ऐसी हैं जो आपको वीडियो में ज़रूर दिखाई देंगी, तो वो हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल होंगी। तो यहाँ पे गाइज लबसुरभि की ये टी शर्ट और टॉप थे, तो मेरे किचन के कपड़े ख़राब हो गए थे, तो मैंने सोचा कि चलो इनको यूज़ में लिया जाए। तो मैं बताऊँगा इसकी, पहले तो मैं क्या होता था कि शनिदेव के मंदिर जाती थी, वहाँ पे मैंने ना दे के आती थी। लेकिन आजकल है ना बच्चे है ना, वो आजकल हम लोगों का जाना हो नहीं पा रहा है मंदिर पे, तो फिर जाना दे कपड़े भी नहीं दे पाती हूँ। तो फिर यहाँ लबसुरभि कपड़े रखे हुए, तो फिर मैंने सोचा कि किचन के काम में आ जाएंगे, क्योंकि किचन के कपड़े भी ख़राब हो गए थे। और इसके बाद गाइज मैं नहा के आ गई थी, और यहाँ पे जितने भी बर्तन मांज के रखे थे ना, वो सबका पानी है ना सूख गया है, तो फिर मैं इनको है ना इनकी जगह पे अरेंज कर दूँगी। और मैं बताऊँगा इसकी ये जो ये कपड़े। तो गाइज़ मैं बता दूँ कि आज मैं पूजा बाद में करूँगी और खाना पहले बनाऊँगी, क्योंकि मैं बताऊँ आपको कि लबसुरभि का टाइम हो जाएगा। वैसे तो अभी है ना 10:30 का टाइम हो रहा होगा, और वो लबसुरभि 12 बजे आ जाते हैं। और आज मैं बताऊँगा गाइज़, आज मुझे ब्रेकफास्ट और लंच दोनों साथ में ही बनाने हैं, क्योंकि आज बनाने हैं दाल चावल, और ब्रेकफास्ट में बनाऊँगी मटर पनीर की सब्ज़ी, और मतलब पराठे बनेंगे। लेकिन क्योंकि आज हस्बैंड ने बोल दिया था कि तुम्हें ना पापा के लिए जो सब्जी जाएगी मटर पनीर की, उसमें ना ऑयल नहीं डालना है। तो फिर मैंने कहा ये तो फिर बहुत दिक्कत सी हो जाएगी, बिना मटर पनीर मतलब ऑयल के मटर पनीर की सब्जी का क्या। क्योंकि ना पापा जी को कई दिन से खांसी हो रही थी ना, तो वो उन्होंने पनीर खाया नहीं था, तो मेरे हस्बैंड बोले कि तुम्हें ना पापा जी के लिए सब्जी बना देना मटर पनीर की, पर ऑयल मत डालना, क्योंकि पापा जी को खांसी बहुत हो रही है। तो मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पे गाइज मैं मटर पनीर की सब्ज़ी की तैयारी भी कर लूँगी, और एक तरफ साइड में मैं दाल भी चढ़ा दूँगी, क्योंकि दाल बनाऊँगी मैं मूंग मसूर की दाल बनाऊँगी। दाल में कंफ्यूज़ हो जाती हूँ गाइज, तो ही मूंग मसूर की दाल बनाऊँगी, और दाल में तो तड़का लगा दूँगी, लेकिन पनीर में नहीं लगाऊँगी। दाल में बिल्कुल एक छोटा सा चम्मच डालूँगी घी का, मतलब छोटा सा चम्मच डालूँगी। तो यहाँ पे मैं आटा भी लगा के रख दूँगी, और साथ के साथ दोनों चीज़ बना दी जाऊँगी। तो इस तरह से
गाइज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे पनीर को है ना, जब भी आपके पास एक्स्ट्रा पनीर हो या 2-4 दिन के लिए आपने लेना हो, लेके रखा हो, तो रख भी लेते हैं, क्योंकि पनीर एक बार आ जाता है तो वो 2-4 दिन 8 दिन हम चला ही लेते हैं। तो उसको क्या करना है, आपको पानी में रख देना है पनीर को जब, और उसका डेली पानी चेंज करते रहो, आपके पनीर वैसे की वैसा बना रहेगा। तो यहाँ पे दाल में मैंने झाग निकाल दी है, और अब डाल दूंगी मैं टमाटर और मिर्ची। तो गाइज कुछ लोग मैंने देखा है कि दाल में सब कुछ डाल देते हैं, कुकर को बंद कर देते हैं, तो इसमें झाग निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि है ना, बाकी आप टमाटर मिर्ची जो भी कुछ डालना चाहो डाल सकते हैं, लेकिन झाग को निकालने के बाद में अगर आप कुकर का ढक्कन आप बंद करो तो ज़्यादा अच्छा है। बस थोड़ा सा ही कष्ट होगा या आपको देरी होगी झाग निकाल के अगर आप काम करोगे तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सेहत के लिए वो अच्छा रहेगा। तो और दूसरी साइड में गाइज मैंने इसमें ऑयल नहीं डाला है, मैं इसमें मटर पनीर और जो भी मसाले डालूंगी वो सब डाल दूंगी, लेकिन ऑयल नहीं डालूंगी। और ऐसे ही यहाँ पे मैं धनिया पाउडर डाल दूंगी, मिर्ची पाउडर बिल्कुल हल्का ही डालूंगी, और हल्दी पाउडर भी डाल दूंगी, और नमक नहीं डालूंगी अभी, क्योंकि पापा जी के लिए मैं निकाल के रखूंगी। और यहाँ पे इस तरह से मैं इसे पूरी सब्जी को मिक्स कर लूंगी, और इसे मैं इसमें पानी डालूंगी गाइस, गर्म पानी डालूंगी, और यहाँ पे इसको मैं फिर एकदम ढक के रख दूंगी। और गाइस मैं आपको बता दूं, पापा जी के लिए तो मैं गर्म मसाला और कढ़ाई वगैरह नहीं डाली थी, लेकिन अपने लिए मैंने डाली थी, गर्म मसाला और कढ़ाई डाली थी, तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आ गया था, सब्जी खाने में इतनी बढ़िया लग रही थी गाइस। मैं तो कई दिन से ही बना रही हूँ, आज मटर पनीर की सब्जी नहीं, इससे पहले भी बनाई थी, तो आज मेरे हस्बैंड ने बोल दिया कि मटर पनीर की सब्जी। तो गाइस जो लोग डाइट पे हों और जो ऑयल को पसंद नहीं करते हों या कम खाते हों, तो वो इस तरह से सब्जी बना सकते हैं, और फिर इसमें धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं, आप जो भी मसाले डालना चाहो वो डाल सकते हो। आगे मैं गाइस आपके साथ ये वाली रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि मैं कई दिन से इस तरह से ही सब्जी बना रही हूँ गाइस, और इतनी बेस्ट सब्जी लग रही है, बच्चे भी पसंद कर रहे हैं, मेरे घर में सब लोग पसंद कर रहे हैं। और पहले तो मैंने किसी को बताया नहीं था, लेकिन बाद में मैंने बताया कि मैं इसमें ऑयल नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि पापा जी को खांसी हो रही थी, और मैं वही खाना बनाती हूँ जो पापा जी भी खा लें, हम लोग भी खा लें, और कोई ऐसी दिक्कत ना हो। तो बस पहले ये होता था कि मैं पापा जी के लिए निकाल देती थी उसमें से जो भी, मतलब कढ़ाई नहीं डालती, गर्म मसाले नहीं डालती, बाकी जो कुछ बनता वो निकाल देती, पापा जी खाते। लेकिन अब कुछ दिन से खांसी हो रही है पापा जी को, तो मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया कि चिकनाई बिल्कुल नहीं देनी है पापा जी को, क्योंकि बहुत ज़ोर से खांसी हो रही है। तो फिर मैंने सोचा कि सब्ज़ी तो पापा जी को खिलानी है, जो हम भी वही खाएंगे, तो फिर उस हिसाब से है ना मैंने ऑयल नहीं डाला। और गाइस सब्ज़ी बहुत बेस्ट बन रही है। तो यहाँ पे गाइस मैं पूजा भी करती जाऊँगी, और इधर मेरा काम भी होता जा रहा है, तो यहाँ पे सब्ज़ी मेरी लगभग बनी चुकी है, और अब मैं गैस को बस बंद कर दूँगी थोड़ा सा ढक के, क्योंकि है ना मटर तो वो सफल थी तो वो हो ही गई है, और यहाँ पे पनीर भी मैंने डाल दिया है, तो पनीर भी एकदम सॉफ्ट हो ही गया है। तो ये देखिए एकदम सब्जी तैयार, और इसके ऊपर आप गाइस कुछ भी डालो, हरा धनिया डालो, कसूरी मेथी डालो, खटाई डालो, आप है ना चना मसाला डाल दो, तो यहाँ पे जो चाहे आप कर सकते हो गाइस, और सब्जी आपकी बहुत ही बेस्ट बनेगी। और इधर लेके आ गई हूँ गाइस मैं मंदिर मंदिर सॉरी मैं लेके आ गई हूँ भगवान जी को लेके आ गई हूँ। और यहाँ पे ये मेरा शाम को मैंने दही जमाया था, ये फ्रेश दही है गाइस, और मैंने ये मतलब कल के लिए ही जमाया था, सोमवार के लिए ही, मैंने कहा आज मेरे को भोलेनाथ को, सभी भगवान जी को, गणपति को, सबको है ना दही से ही मुझे स्नान कराना है, क्योंकि पीताम्बरी से नहीं कराऊंगी, सोमवार है आज, आज तो मैं दही से ही कराऊंगी, तो ठाकुर जी को भी कराऊंगी, क्योंकि फिर उसके बाद गणपति भी आने वाले हैं, तो फिर मैंने कि उस दिन सब कुछ नहीं। तो गाइज मैं बता दूंगा आपको कि अगर आपके ठाकुर जी काले पड़ गए हैं, तो आप दही से 2-4 दिन उन्हें डेली नहलाइए, आपके ठाकुर जी एकदम सोने की तरह चमक जाएंगे। और एक बात और गाइज कि ठाकुर जी को कभी काला मत होने दो, क्योंकि ठाकुर जी हमारे घर की रौनक हैं, इसलिए कि ठाकुर जी हमें इतना सब कुछ देते हैं, तो हम अपना थोड़ा सा कीमती वक्त ठाकुर जी को नहीं दे सकते। तो डेली ठाकुर जी को आप है ना मतलब आप इससे नहलाइए, दही से नहलाइए, आपके ठाकुर जी एकदम सोने की तरह चमक जाएंगे। उसके बाद में आप जैसे चाहे नॉर्मल पानी से नहला सकते हैं। तो यहाँ पे गाइस हमारी सब्जी तैयार हो गई, इधर मैंने चावल भी बॉईल कर दिए हैं, बॉईल करने के लिए साफ मतलब गला दिए हैं, और इधर मेरे ठाकुर जी का भोग लगा दिया है, मटर पनीर से लगा दिया, दही से लगा दिया है, चावल बनाए थे उससे भी लगा दिए। तो ये देखिए ठाकुर जी हमारे कितने प्यारे लग रहे हैं। तो यहाँ पे पूजा मेरी हो चुकी है, ठाकुर जी का भोग भी बन गया है, और इसके बाद ब्रेकफास्ट में आज पनीर की सब्जी और दही और
पराठे थे गाइस, और इसके बाद मैं लगा दूंगी दाल में तड़का। तो यहाँ पे देखो गाइस, मैंने आधी चम्मच से भी कम घी डाला है, और यहाँ पे मैं इसमें कसूरी मेथी डाल दूंगी, तड़के में जीरा डाल दूंगी, राई डाल दूंगी, और मैंने इसमें कड़ी पत्ता भी डाला है गाइस। तो टमाटर और हरी मिर्ची आप है ना पहले भी डाल सकती हैं दाल में और बाद में भी डाल सकती हैं, तो दोनों का टेस्ट। तो यहाँ पे गाइस मैं बता दूं कि आप अगर तड़के में टमाटर और हरी मिर्ची डालते हैं या प्याज वगैरह तो उसका टेस्ट अलग होता है, और आप अगर दाल के अंदर डालते हैं तो उसका टेस्ट अलग होता है। तो गाइस अब करेंगे लंच की तैयारी। तो यहाँ पे पराठे सीख रहे हैं और रोटियाँ भी बना दूंगी गाइस, क्योंकि बच्चे पराठे ही खाते हैं लंच में, ब्रेकफास्ट में। तो यहाँ पर हमारा लंच तैयार है, दाल है, चावल है, रोटी है, दही है। तो गाइज़ आप भी खा लीजिए, बस यही कहूँगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।